अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग सब। मैं हूँ ऐशा लखवानी, आपकी क्लिनिकल डाइटिशियन। आज हम लोग बात करें विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा कॉमन है एंड एवरीबडी हैज इट। सो आप चाहे बुढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, एवरीबडी हैज इट। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाई डू वी हैव विटामिन डी डिफिशियंसी। एक्चुअली एशिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। वो इसलिए है क्योंकि जो हमारी स्किन की पिगमेंटेशन है, हमारी स्किन में एब्जॉर्प्शन नहीं हो जाती विटामिन डी की। इस वजह से हम लोगों का विटामिन डी हमेशा लो होता है। एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, व्हाट एवर आई से हियर और रिकॉर्डेड ऑन माय वीडियोस, इट्स ऑलवेज साइंटिफिक बेस्ड, इट्स ऑलवेज रिसर्च बेस्ड। सो जस्ट सो यू नो, राइट। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट के हमारा पिगमेंटेशन की वजह से ये एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो जितना सांवला रंग होगा और उतना आपका विटामिन डी लो होगा। अब ये बात तो हो गई, फिर हम लोग बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। क्या इसका ट्रीटमेंट फूड के थ्रू हो सकता है? तो एक्चुअली हमारे फूड्स में इतना ज्यादा विटामिन डी नहीं होता। नंबर वन, सबसे ज्यादा फिश में पाया जाता है, लेकिन आप कितनी मछली खाएंगे? तो दो हफ्ते में दो से तीन दफा आप मछली खा लें। एग योक में होता है विटामिन डी, हमारा चीज में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में, चीज में पाया जाता है। लेकिन इसके लिए, इसके साथ साथ आपको सप्लीमेंट्स लेनी बहुत जरूरी है। एक ये बहुत कॉमन सवाल आ जाता है कि सप्लीमेंट्स कौन सी लें, हफ्ते में भी दी जाती? इट ऑल डिपेंड्स। लोएस्ट जो है 25 से नीचे अगर आपका विटामिन डी का लेवल आ रहा है, तो इट मीन्स यू आर इन टू द लो कैटेगरी, आपका विटामिन डी लो है। फिर जी जी होता है कि ये हमारा विटामिन डी लो हो गया है एंड अब हमें सप्लीमेंट्स लेनी है। या तो आप वीकली बेसिस पे ले लें अपनी डिफिशियंसी के अकॉर्डिंग, या आप मंथली ले लें, या आप डेली भी ले सकते हैं, और आप इसका महीने में एक इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। सो इट इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन यू और आपका डॉक्टर, आपका डाइटिशियन, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो फूड के शुरू तो ही हो गए। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स, इसके साइंस एंड सिम्टम्स बड़े कॉमनली देखे जाते हैं। नंबर वन, फिटीक, कांस्टेंट थका रहना, भड़ियों में दर्द रहना। आपके यहाँ पे जिनके दर्द होता है इस तरफ बिहाइंड द नेक, दैट इज अ साइन ऑफ विटामिन डी। डिप्रेशन, आपका बिला वजह वेट बढ़ना इज अ साइन ऑफ विटामिन डी की डिफिशियंसी। हर छोटे छोटे इन्फेक्शन हो जाना साइन ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी। बहुत दफा हड्डियों में देखा जाता है कि लोगों की बहुत ज्यादा हड्डियों में दर्द होता है। तो आई वांट टू क्लियर आउट वन थिंग आल्सो एट द सेम टाइम, जब आपका विटामिन डी लो होता है, आपका कैल्शियम भी लो होता है। अब लोग मुझे कहते हैं, नहीं जी हमारा कैल्शियम तो लो नहीं है। कैल्शियम को चेक करने के दो तरीके होते हैं, दो टेस्ट होते हैं। एक तो ब्लड के थ्रू आप देखते हैं, जिसमें आपका बहुत जबरदस्त वाइट कैल्शियम आता है। कुदरत का निजाम ये है, अल्लाह के बस निजाम है कि जी अगर आपका ब्लड में कैल्शियम कम है, ठीक है, तो आपका कैल्शियम जो है बोन्स, ब्लड अपना कैल्शियम बोन्स के थ्रू ले लेती हैं, और इसी तरह आपको फिर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अब कैल्शियम का, कैल्शियम डिपेंडेंट अपॉन विटामिन डी, तो दोनों प्रॉब्लम्स आपके साथ साथ चलते रह रहे हैं, क्योंकि आपकी हड्डियां यहाँ पे कमजोर हो रही है। नो मैटर आप जितना भी कैल्शियम खाएं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा ना आपके कैल्शियम लेने का, आपका तो विटामिन डी है ही नहीं बॉडी में। तो आपको दोनों को साथ साथ लेके चलना है, वरना फिर आपको इधर से भी प्रॉब्लम मिलेगा और इधर से भी प्रॉब्लम मिलेगा। तो इस चीज का प्लीज बहुत ध्यान रखिए। बोन्स का अलग टेस्ट होता है उस कैल्शियम चेक करने का, और ब्लड का अलग होता है, जिसमें कैल्शियम आपका ब्लड वर्क के थ्रू आ जाता है। तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। फिर हमारा आ जाता है कि इससे अगर आप इसका नहीं ख्याल रखेंगे तो क्या होगा? भाई जी, इसका आप अगर विटामिन डी का ख्याल नहीं रखेंगे, जो कि बहुत सारे लोग होते हैं, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जी वो विटामिन डी हमारे तो बस लो ही है। यू नो इट्स अ विटामिन, यू नीड दैट विटामिन इन योर बॉडी। अगर इतना इंपॉर्टेंट ना होता तो इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, राइट? तो आपको विटामिन डी अपने इसका बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कैंसर, दिस इज द वर्स्ट थिंग, राइट? तो अब आपका बहुत जल्दी कैंसर फैलता है अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रॉब्लम की दुखती दास्तान, हमारा वजन बढ़ रहा है, वजन आपका विटामिन डी की वजह से, डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन होना, ये करना। तो आप इन चीजों का बहुत ख्याल रखिए, डोंट टेक एवरीथिंग लाइटली। ठीक है, इट्स वेरी कॉमन, बट दैट डजंट मीन दैट इट शुड बी टेकन लाइटली।
I hope I've said enough. You guys take care of yourself. Please make sure that you're taking vitamin D supplements and you're taking your calcium. Kyunki haddiyan kamzor hoengi to fir osteoporosis ho jayega menopause ke baad. You guys take care of yourself. Have a lovely weekend. Bye now.